ये वो आदमी है। एक मिनट पाकिस्तान, ये वो आदमी है ढोल वाला जिसको हमने कोई 550 मरतबा सेट पे बुलाया और बजवाए बगैर वापस दिया कि भाई ये आपके पैसे, आप जाओ। वसीम भाई आज लग रहा है कि शायद जो है वो इनसे काम भी ले लेंगे आज, लेकिन अभी अभी आपने नहीं आना सेट पे, थोड़ा सा और हो। पाकिस्तान का मुकाबला भारत जारी है, बड़ा मुकाबला जारी है, और अभी हम वक्त से पहले कुछ नहीं कह रहे, कुछ दावे नहीं कर रहे, लेकिन लगता ऐसा है कि इंशाल्लाह तारीख रकम होने जा रही है इंशाल्लाह थोड़ी देर में, इंशाल्लाह। यहाँ ये महफिल सजी हुई है, अभी आमिर ये कह रहे थे एंड आई कंप्लीटली एग्री कि ठीक है बड़ा अच्छा मामला जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और सबर कर ले, हो जाने दे, ऐसे ही डेफिनेटली क्रिकेट है, आखिरी बॉल तक मैच जा सकता है, एक दो विकेटें गिरती हैं और प्रेशर आता है, और प्रेशर गेम है, तो आई थिंक एंड तक जाना चाहिए हमें, जरा सबर के साथ। अभी जीत वाला सेलिब्रेट, मतलब थोड़ा सा रुक जाएं, खुशी आप मनाए लेकिन आहिस्ता साथ के, जब तक मैच खत्म ना हो, जंपे ना मारे, क्रिकेट का कोई पता नहीं। क्योंकि मुझे याद है 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था, लेकिन आपने हिदायत की थी ड्रेसिंग रूम में और डग आउट में, क्या जब तक आखिरी रन ना हो जाए सेलिब्रेट नहीं करना है, थोड़ा हौसला, ऐसे ही ना। एग्जैक्टली यही है, और जिस तरह हमारे बैट्समैन की एग्जीक्यूशन है, स्किल्स की, नर्व्स की, मेरे ख्याल से आज तक देखने में नहीं आई है, और ये अच्छा मौका है हमारे पास के 10 विकेटों से मैच जीते, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, 10 विकेटों से मैच जिताए, बहुत ही जबरदस्त सो फार, बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाजरीन, इस मैच के इख्तिताम में 36 गेंदें, अल्लाह करे कि इसकी नौबत ही ना आए, लेकिन 36 गेंदें बाकी हैं, और पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए, तारीख रकम करने के लिए, दुनिया क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में इंडिया को जेर करने के लिए 40 रन चाहिए 36 गेंदों पर। बुमराह आएंगे, गेंद करेंगे, रिजवान ने 48 रन बना लिए हैं 39 गेंदों पर, बाबर ने 61 रन बना लिए हैं 45 गेंदों पर, इंतखाब आलम साहब क्या लग रहा है, इंशाल्लाह तारीख ऐसा लग रहा है रकम होने जा रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो हमने मैच शुरू होने से जो हमने बातें की थी, हाँ, अल्लाह करे वो आज वो पूरी करे, अल्लाह करे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 35 गेंदे 40 रन, तो ये मतलब इस वक्त कितना परसेंट हम खड़े हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली ही, कभी एक भी आउट नहीं है हमारा, माशाल्लाह, और 10 विकेटों से जीतेंगे तो क्या बात, कमाल ही हो जाएगा, लेट है लेकिन बहुत देर है, दुरुस्त है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तनवीर भाई क्या कहिएगा, कर दिया एक और चौका लगा दिया रिजवान ने, और यूं रिजवान ने भी अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, 52 रन पे खेल रहे हैं रिजवान, और इस मिस सेंचुरी के लिए उन्होंने 41 गेंदों का सहारा लिया है, तो इस वक्त पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स पिच पर हैं, क्रीज पर हैं, और दोनों ओपनर्स की मिस सेंचुरियां मुकम्मल हो गई है रिजवान और बाबर की। भाईजान तनवीर भाई, इंशाल्लाह वो काम होने लगा है जो कभी नहीं हुआ आज तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसा लग रहा है, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, हाँ। और खैर वही बात है, क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, हाँ। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे भी, और 10 विकेटों से भी इनको अल्लाह करे मारेंगे इंशाल्लाह। 34 गेंदों पे पाकिस्तान को 36 रन, और अब 33 गेंदों पे 33 गेंदें बाकी हैं, और पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन एक चीज वो क्या, पाकिस्तान ने बता दी है जो जिस जगह पे ज्यादा खेलेगा एक्सपीरियंस उसी के पास ज्यादा होता है, हमने ज्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेली है, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस, जनाब 6.2 का तकरीबन रिक्वायर्ड रन रेट है शुएब साहब, ऑलमोस्ट तो हम मैच बात बन गई है, ऑलमोस्ट हम मैच जीत चुके हैं, लेकिन इस मैच की जीत के साथ जो है एक चीज और पता चली है, आमिर के कई टैलेंट सामने आए, श्रीलंका का मैच चल रहा था, उन्होंने कहा ये दो होंगे तो मैच निकाल गए, वही हुआ, शाहीन को मशवरा दिया वही हुआ, जो कर रहे हैं वही हो रहा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुस्तकबिल में इनको कोच देखूं, अल्लाह माफ प्रेडिक्शन करता हूँ ये मतलब कोच होना इतनी बुरी बात है, अभी मेरी कोच वाली उम्र आई नहीं है ना लेकिन हम आपको क्रीज में तो दोबारा देखने की उम्मीद रखे हैं, ये बताएं, क्रिकेट तो खेल रहा हूं, क्रिकेट छोड़ी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अल्लाह नोस बेटर टू बी ऑनेस्ट, अच्छा ठीक है, अब अगेन मैं अपना वो वाला वसीम बदामी बिठा रहा हूं, अभी वहां नहीं जाना, मेरे अंदर का शैतान बेकार है, नहीं
रोक रहा हूं मैं अपने आप को। तनवीर साहब, ये नजीब साहब, क्या आपने मुझे तनवीर भाई दे दिया? आपने इतना माइंड किया है यार, यार मुझे तो अच्छा लगा। क्या तनवीर होना इतनी बुरी बात है? आप उनको मुझे तो लगा देखे मीरा बोल देते तनवीर माइंड ना कर दे। नहीं, लेकिन इतने हैंडसम आदमी है वो मुझसे वैसे ही शिकायत करते हैं कि आप ऑनलाइन तारीफ नहीं करते। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है भाई, काम हो गया इंशाल्लाह? अब तो हो गया, अब तो हो गया इंशाल्लाह। हिस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। नाउ नेवर वाली बात थी, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त थी वो दोबारा ऐसी नहीं मिलेगी, कि टेलर मेड सिचुएशन। कमाल है, 31 गेंदों में 32 रन। मेरे ख्याल से वसीम भाई थोड़ी देर में पता चल जाएगा इंडिया को कि असली अब्बू कौन सा था। तारीख बनने जा रही है और इस तारीखी मौके पर ओके, अब 5 ओवर्स बाकी हैं और पाकिस्तान को 5 ओवर्स में 31 रन चाहिए, 31 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। दी लेजेंडरी, इतने बड़े को सेलिब्रेट करने के लिए हमने बहुत बड़े खिलाड़ी को, जावेद भाई को जहमत दी है। जावेद सर, सलाम है सर। मैं शुक्रिया, मैं टेंशन में, मेरी आवाज अजीब सी हो गई। टेंशन की जावे तो निकल गया मैच। मुझे आज मेरी दुआ है वसीम, आप खुशी के आंसू आ रहे हैं देख लो, कि कराची किंग्स जो है वो आज जीत जाएंगे। नहीं नहीं सर, आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया हो रहा है जावेद भाई, आधे से ज्यादा प्लेयर तो आप लोगों ने खरीदे भी नहीं, ये तो सारे वही खेले। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप भी वही पे होंगे, स्पिन कराए होंगे। मैं तो यहाँ हो रहा हूँ ना सर, जावेद भाई इंशाल्लाह जीत जाएंगे ना, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और लड़के चाहिए इनको कि तेज खेले, सिंगल डबल करें। अच्छा, सिंगल डबल करें और बिटवीन द विकेट रहते हुए खेलने की कोशिश करें। सही, ये किस तरह बता रहे हैं? ये हम अपने दौर की क्रिकेट करते हैं, आपकी क्रिकेट बहुत तेज हो गई है। अच्छा, आप यूनुस भाई से पूछिए कि हमारे दौर में जो है किस तरह की, हमारे दौर तो ऐसा था कि बॉलर जो है विकेट के पास जूते उतार के नंगे पैर बॉलिंग कराता था। ये क्या ऐसे होता था? दौर था, जूते उतार के फिर आता था, पुराना वक्त था, पुराना वक्त। अच्छा, अच्छा। तो वो हमारा तो वो वाला टाइम था, वही दीवार कैच एक हाथ से। अच्छा, वो वाला था। अब देखे 20 ओवर में मैच पूरी नहीं, 20 ओवर का गेम आ गया, ये क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। अरे यार अब ऐसे मौके में क्या बातें कर रहे हैं? 50 ओवर असल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, जिसके अंदर आपका टेम्परामेंट नोट होता है, सिंगल डबल ये सारा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज तुम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना इंशाल्लाह? आज हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं अपना वही अंदाज करते हुए मोदी लालच नहीं करती है, आप खाली एक बोतल दे दे हमें, हम जरा इनका कुछ करते हैं। नहीं नहीं, तुम जरा अब 16वें ओवर का, अरे और एक और बाउंड्री लगा दी है, कमाल हो गया रिजवान ने, एक और बाउंड्री और इस बाउंड्री के साथ ही, अरे अबे 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 थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा अभी, अरे अरे एक एक अभी नहीं अभी नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ करना है तो फिर जोर से बजा यार, थोड़ा सा तमीज से रहना चाहिए और कहना चाहिए मौका 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 मौका। आमिर आज के मैच का कौन है हीरो? ये तो कमाल है, रिजवान 60, बाबर 62, शाहीन अफरीदी 3 विकेट है, मतलब पहले कहा था कि T20 में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऑन पेपर ये बड़ी टीम है और ये छोटी टीम है। सही है, क्योंकि T20 में मार्जिन ऑफ एरर कम होता है और जो टीम पहले स्टार्टिंग में प्रेशर डाल देती है दूसरी टीम पे, वो दूसरी टीम जो प्रेशर में होती है वो पूरा मैच चेस करती है। आप देख ले इंडिया फर्स्ट ओवर से प्रेशर में और अभी तक मैच को चेस कर रहा है। T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप अर्ली ऑन जितना प्रेशर डाल सकते हैं अगली टीम को वो बहुत जरूरी हो, और वो पहले ओवर का प्रेशर। अब इंतखाब भाई, यानी ये तो कमाल है ना, ये मनाजिर तो अभी देख रहे हैं, ये तो हमने कभी तारीख में, यानी मैं खातून की बात नहीं कर रहा, तो मैच का मंजर आ रहा था, इसकी बात कर रहा हूँ अचानक मैंने कर रहा, ये तो हमने कभी नहीं देखे ये मनाजिर। ये मनाजिर तो बहुत देखे हमारे दौर होता था, उसके अंदर हमारा मैच देखने कौन आती थी? कौन? लता मंगेशकर, कोई सीन ही नहीं। आप देखिए आप भाई, आप नोट करें कि सारे इंडियन प्लेयर्स के ट्राउजर के अंदर अब तौलिया आ गया है।
आप समझ रहे हैं क्यों आ गए आप? पसीना पसीना हर जगह से। अच्छा और चले एक एक गेंद देखते हैं, फिर हम जरा फिर मोहम्मद रिजवान की एक तस्वीर कह रहे दिखा। अरे भाई वाह, ओके एक और सिंगल बन गया है जावेद भाई का, जावेद का बन रहा है सिंगल डबल सिंगल बन गया है। क्या रिजवान की वो कह रहे हैं एक तस्वीर है या फुटेज है, क्या है जरा दिखाएं। ये आज मैच के दरमियान की नमाज पढ़ रहे थे। हाँ ओके रिजवान ने जो है वो अच्छा क्या अभी क्यों नहीं दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसकी इनिंग दिखा रहे। अच्छा ये सब वो दिखा रहे हैं, चल क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहाँ नहीं तो कहाँ है वो, तो कहाँ है तो दिखाएंगे तो कैसे दिखाऊंगा? नहीं यार मैं वो अभी हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। अच्छा लाइव जा रही है, अच्छा यहाँ नहीं दिखे, लाइव जा रही है, ओके ठीक है ओके सही है। तो जनाब इंतखाब भाई ये तो मतलब इंडियन टीम के साथ, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जनाब बहरहाल इंडिया को नफसियाती बढ़तरी है, 12-0 है, T20 में 5 मरतबा हराया है, वर्ल्ड कप में हमेशा हराया है, T20 इंटरनेशनल 8 खेले हैं, 7 मरतबा हराया है, ये इंडिया से आज क्या गड़बड़ क्या हुई है? अब देख ले जिस तरह पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी है, हाँ जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आया है, हाँ बॉल वन से अगर आप इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देखें, टॉस हारने के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गिरी हुई थी, हाँ और ये जो जिसको उन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया था चक्रवर्ती को, पता नहीं क्या चीज है, मैंने कहा था भाई ने कहा था ये बातों बातों में उसने चढ़ा दिया, अब देख ली क्या हशर किया हमारे विराट कोहली का। ये जो आप कह रहे हैं कि मोराल बहुत गिरा है ना, ये इतनी गिरी हरकत क्यों हुई उनसे, मतलब मोराल क्यों इतना गिरा हुआ रहा है इंडिया का? ठीक है टॉस तो मतलब अब टॉस तो आपके विराट ने कहा भी है था टॉस हारने के बाद कि भाई तो हमें ऐसी चीज आ रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आगे मैच के लिए बड़े उम्मीद कह रहे थे कि आप बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हो, जैसे ही पाकिस्तान टीम मैदान में आई है बॉलिंग करने, यू कैन टेल जिस तरह उनका जज्बा था, वलवला था जो दे प्रूव्ड। तनवीर भाई हाँ। यानी एक ऐसे मौके पे हम इस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर तवक्कुआत कम थी, मतलब लग रहा था कि यार इस टीम में ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो अल्लाह करे जीत जाएं, लेकिन यूं है और इस टीम ने ये कर दिखाया, ये तो मतलब ये क्या देखिए ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगे इंडियंस, जाहिर सी बात है IPL भी वहां पे हुई, उन्होंने समझा कि हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जो पाकिस्तान टीम है ये बहुत डिफरेंट है, और इस टीम के अंदर अगर मेरिट का सिलेक्शन हो, अगर मेरिट के लोग हों, तो हम ये पाकिस्तान की टीम टफ टाइम दे सकती है। और मैं सबसे ज़्यादा विराट कोहली को मैं देख रहा हूँ, वो तो लग ही नहीं रहा आज फील्ड में। अच्छा लेकिन क्योंकि उनको छलांगे मारने का मौका ही नहीं मिला, विकेट लेते थे तो छलांगे मारते थे, वो तो उनको मौका ही नहीं मिला। कुछ मीम्स हैं जो अभी तैयार कर लिए हैं पाकिस्तानी, कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और 10 विकेटों से मारते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे। और बिफोर वी गो टू अ पैकेज हम फॉलो विकेट दिखाते हैं इंडिया के, इससे पहले यूनुस भाई यानी हम सीनियर्स का कह रहे थे कि सीनियर्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो मलिक की और हफीज की नौबत ही नहीं आई, और यानी निस्बतन जो जूनियर प्लेयर्स हैं यानी उधर शाहीन आफरीदी, यहाँ बाबर रिजवान, इन्होंने ही मतलब कब काम कर दिए। उसी में अगर हम बात करें तो हम तो पहले आपसे कह रहे हैं कि कितनी बैटिंग चाहिए, हाँ बॉलिंग, अगर दो तीन खिलाड़ी चल गए हो गया काम, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जो सबसे मेन चीज है ना कि हाँ। अब हमारे पास ये एक मौका है तो उसको आखिर तक लेके जाए इंशाल्लाह, हाँ अगर विकेट्स जब गिरती है प्रेशर आता है आपके ऊपर। टीम इंडिया के साथ यही हुआ, पहले पावर प्ले में है उनके आउट हुए, हाँ तो प्रेशर आया, तो मेरे ख्याल से इसी तरह का टीम पाकिस्तान खेलती रहे और हर मैच इसी तरह खेलते रहे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पास अगर मौका है तो उसको आखिर तक खेलें। अब जिस तरह मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं, ये अभी भी कोई ऐसा कुछ ना करे कि अभी हमारी 10 विकेटें बाकी हैं और हो गया, नहीं बिल्कुल रन बॉल है, खुद ही करके आए और हिस्ट्री क्रिएट करें। मेरे ख्याल से ऐसी विन 10 विकेटों से इतने बड़े मेगा स्टेज पे, इतने बड़े इवेंट में आज तक नहीं हुई होगी। ये मौका है, वो जो लीड चढ़ी हुई ना 14-15-0 की, ये सारा हिसाब बराबर आया, मुझे ऐसा लगेगा कि वो जो कहते हैं ना एक लोहार की वजह ही, एक लोहार वाली हो जाएगी। ये हमारे पास मौका है, और मौका है जो हम मौके की बात करें, आज महा मौका है हमारे पास, आज डिलीवर करें इंशाल्लाह। तो जनाब 22 गेंदें रह गई इस मैच के अख्तिताम में, और जीतने के लिए भी चाहिए 22 रन, 22 out of 22। और तनवीर भाई ये विराट कोहली का तो आपने बताया, लेकिन धोनी का मेंटोर होना भी कम काम नहीं आ सका कुछ इंडिया नहीं, वो भी यही सोच रहा होगा, वो भी यही सोच रहा होगा, धो रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं वो भी ये सोच रहा होगा कि हाँ। मतलब आया मैं किसी के लिए था, लेकिन वो क्या रहा है ये। लेकिन खैर क्रिकेट है, ये तो हम पाकिस्तान की जीत के ऊपर नजर आ रहे थे, पाकिस्तान की जीत, ये तो हम पाकिस्तान की जीत के ऊपर ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, और इंडिया की जो आप दुबई की बात ना करें। अच्छा
तो अब इंडिया ये ठीक है सबका मैचेस दिखा रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि इंडिया ने किस तरह हिस्ट्री क्रिएट की थी जब T20 वर्ल्ड कप पहला जीता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट करने से कुछ दूर है क्या इस गेंद को बढ़ा। ओके तो क्या हम एक आए फॉलो विकेट देखते हैं कि इंडिया की जो विकेटें गिरी है वो किस रफ्तार से और किस अंदाज से गिरी है। पाकिस्तान को 21 गेंदों पर 21 रन चाहिए, 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के बाकी है अभी, रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 6 का है। आइए इस एक गेंद के बाद फिर हम देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स इंडिया का कि किस रफ्तार से और किस अंदाज से इंडिया की विकेट गिरी। बल्कि चलें क्विकली देख लेते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, क्या शानदार, क्या बात है। नशरियात हमारी जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत तारीखी लम्हात के साथ कुछ लम्हात में हम वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं पाक भारत मुकाबला, बड़ी नशरियात, बड़ा मुकाबला, बड़ा दिन और इंशाल्लाह तारीखी दिन भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारीख यकीनन अब रकम होने जा रही है, एक छक्का लगाया बड़ा जबरदस्त रिजवान ने अब से कुछ लम्हात पहले, जिसके बाद अब 16 गेंदे बाकी और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए कितने सात रन चाहिए पाकिस्तान को सिर्फ जीतने के लिए। क्या कर रहे पाकिस्तान, क्या बात है पाकिस्तान। तो अब एक गेंद और देखते हैं, 16 गेंदों पे 7 रन चाहिए पाकिस्तान को। अरे एक और शॉट लगाया रुमान ने, चौका लगा दिया, कमाल हो गया, सिर्फ 3 रन चाहिए पाकिस्तान को। आ जाओ अब मैं बुला सकता हूँ ढोल, अब तो भाईजान अब तो बुला सकते हैं ना उसको, ढोल वाले को अब बुला लूँ मैं इसको। आ जाओ अब सेलिब्रेट कर सकते हो, अब ऐसा लग रहा है। बकौल जावेद भाई के अभी ब्रेक में कह रहे जावेद भाई कि ये ढोल वाला इतना सा था जब इस सेट पे पहली मरतब आया था, आज माशाल्लाह देखिए जवान हो गया है जब उसको ढोल बजाने का मौका मिला है। और अब 14 गेंदों पे पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन चाहिए, यानी ये कह सकते हैं हमके मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, ये सब खड़े हो जाए, आ जाना जी भाई खड़े हो जाए। पाकिस्तान की आवाम, करोड़ों लोग इस वक्त जहां भी मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सब तैयार हो जाएं तारीखी लम्हात को सेलिब्रेट करने के लिए। वो लम्हात आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट ने आज तक कभी नहीं देखे। 1952 में पहली मरतबा पाकिस्तान में मुकाबला भारत हुआ था और किसी भी लम्हे तारीख रकम हो सकती है। एक रन बना दिया है, क्या दूसरे रन के लिए खिलाड़ी भागेंगे। पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मैच में शिकस्त दे दिया भारत को और शिकस्त भी 10 विकेटों से दी है पाकिस्तान ने भारत को 1-10, लेकिन एक तरफा मुकाबले के बाद जबरदस्त अंदाज में शिकस्त दे दी है, 10 विकेटों से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है और ICC टूर्नामेंट की तारीख में पहली मरतबा तारीख में बाबर आजम और रिजवान ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने 152 जैसे स्कोर को इन 2 खिलाड़ियों ने पूरा कर दिया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और लाखों पाकिस्तानी जो के पाकिस्तान से बाहर हैं और यहाँ हमारे सेट पर ये आमिर मेरे सामने खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ जिनकी आंखों में खुशी के आंसू है और व्हाट एन इमोशनल मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट के तारीखी लम्हात, बहुत ही इमोशनल मोमेंट सर, कंग्रेचुलेशन, इमोशनल मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट के वो लम्हात जो इससे पहले आज तक नहीं देखे, जनरेशन ने आज तक ये मोमेंट नहीं देखे। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है एक एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान
ये वो लम्हा आप देख रहे हैं जिसको देखने के लिए हमारी जनरेशन ने इंतजार किया है। आज पहली मरतबा इसको भी मौका मिल गया है। आज बजा सकते हो जितना बजाना है बजा लो भाई। पहले ओवर से पहली गेंद से पाकिस्तान इस मुकाबले पे छाया रहा और जिस अंदाज से पहले ओवर में शाहीन आफरीदी ने बल्कि टॉस के जीतने से लेके पाकिस्तान नफसियाती तौर पे हावी रहा इस मैच में। पाकिस्तान के कैंप में इस वक्त खुशियों का समय है। टीम पाकिस्तान इसको एंजॉय कर रही है सेलिब्रेट कर रही है। नेशन पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट डॉक्टर अहमद शाह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये तारीखी नमाज पूरी की पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त जमा है यकजा होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आज टीम पाकिस्तान को उस मोमेंट से नवाजा है जिस मोमेंट का टीम को बहुत इंतजार था। बहुत सारी तालियां एक बार फिर। आईसीसी बेंच टी20 वर्ल्ड कप रिजवान 79 रन बनाए नो डाउट। बाबर आजम 68 रन बनाए नो डाउट। ये जबरदस्त फिगर तारीख की फिगर मैच खत्म होने में 13 गेंदें बाकी थी। 17.5 ओवर्स में पाकिस्तान ने यह मैच इस वक्त स्टूडियो में भी कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही इतना शदीद। क्या बात है इंडिया के इस वक्त हर लम्हा पुरजोश का ये स्टूडियो किसी स्टेडियम से कम का मंजर पेश नहीं कर रहा। यहाँ पे कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं आवाम के दरमियान जाके था पाकिस्तान 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 मौका 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 मौका। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया की तारीख में एक तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान ने भारत को उस वक्त के जब ये मैच खत्म होने में 13 गेंदें बाकी थी और जब पाकिस्तान के पास 10 विकेटें बाकी थी यानी हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द मैच इट प्रूव टू बी अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट और पाकिस्तान ने बिलआखिर 71 रन में शिकस्त दे दी। सर ये वसीम भाई मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि इंडिया को अपने शनाख्ती कार्ड पे अपने वाले साहब का नाम पाकिस्तान लिखवा लेना चाहिए। बहुत सारे तालियां वसीम भाई। भाई आवाज लगाना सारे जल्दी टाकरा 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 टाकरा। मैन ऑफ द मैच का ये तकरीब का आगाज होने लगा है। कौन है आपके ख्याल में आज का मैन ऑफ द मैच? शाहीन शाफरीदी आज के मैन ऑफ द मैच है। क्या बात है, क्या हम सुनवा सकते हैं कि क्या प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी? अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल प्लान किया था कि अर्ली ऑन अगर मैंने ब्रेक दी तो अच्छा स्टार्ट होगा टीम के लिए, तो मैंने सिर्फ कोशिश की थी, बाकी अल्लाह पाक ने। या वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड ही प्लान विद दैट स्विंग। जब आपने पहला ओवर किया तो यही आप हमेशा ऐसी करते हैं कि बॉल को अंदर लेके आना है? बिल्कुल कोशिश की थी। कल मैं जब नेट्स में गया था तो 4-5 कदम से यही था कि मैं थोड़ा सा स्विंग की कोशिश करूं क्योंकि ज़्यादा स्विंग नहीं होते इधर, तो मेरा यही था अगर थोड़ा सा भी स्विंग हुआ और टीम को ज़रूरत है ब्रेक थ्रू की अर्ली ऑन, जब भी मैं आऊँ तो ब्रेक थ्रू दिया, तो मेरी यही कोशिश थी कि अपनी 100% दूँ उसमें कामयाब हो गए। Well, it tried his 100%. It got the ball to swing with a very full length. जब बैटिंग शुरू हुई तो आपको यकीन था कि आराम से स्कोर हो जाएगा? बिल्कुल, सिर्फ मेरे ख्याल से नया बॉल थोड़ा सा मुश्किल था, बट क्रेडिट पूरा जाता है बाबर और रिजी को, जैसे उन दोनों ने खेला है आई थिंक अनबिलीवेबल, और बहुत क्रेडिट उनको जाता है और अल्लाह उनसे ऐसे ही रन करवाए। A lot of credit to Babur with their Babur and Rizwan with their opening partnership. ये मैच इतना बड़ा मैच इंडिया से जीते हैं तो अब टूर्नामेंट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा?
देखिए सारे टीमें मुश्किल है, नो डाउट इंडिया भी अच्छी टीम थी और हम कोशिश करेंगे कि इस मोमेंटम को आगे लेके जाए और परफॉर्म करे और आगे और फाइनल तक जाए. Yeah, they want to go to the finals after this match. Shaheen Shah Afridi, thank you very much and a great performance today. Brilliant bowling. Thank you. बहुत सारी तालियां Shaheen Shah Afridi के लिए, जिनकी परफॉर्मेंस की बदौलत आज के बाद जब भी पाकिस्तान में मुकाबला भारत का तजिया होगा तो कोई तजियाकार ये नहीं कह सकेगा कि आज तक किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त नहीं दी, क्योंकि हाथ दे दिए और एक तरफा मुकाबले के बाद दे दिए. धोनी नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे और जाहिर है बड़ी अच्छी बात है कि जब मैदान में हो तब बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल ये कह रहा था. और दोनों खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, बाबर आजम धोनी इस वक्त मुस्कुराहटों का भी तबादला हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए. सही बात है. जब जब ग्राउंड पे हो जी 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 जब ग्राउंड पर हो तब जाहिर है इस तरह. और चले साथ साथ हम अब ये स्कोर कार्ड भी आप देख लें. आप जी 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 पाकिस्तान ने एक मैच खेला है, एक जीता है, यानी कि इस वक्त अगर हम यू देखें जाहिर अभी इब्तदाई मैच ही है, लेकिन पाकिस्तान इस तरीके से पॉइंट्स टेबल पे भी सरे फहरिस्त है इस वक्त. क्या बात है, जबरदस्त. वसीम भाई आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी फुटेज देख रहे हैं कि जिसमें फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के वजीर तलाश, सलमान इकबाल साहब ने उनकी तस्वीर देखी हुई थी, वो जा रहे थे स्टूडियो, उनको भी देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि ये तारीखी लम्हात, बहुत खुशकिस्मत हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी जिन्होंने आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच देखा. ये बड़ा ज़बरदस्त मंजर है, विराट कोहली बहुत अच्छे अंदाज से रिजवान को गले लगाते हुए, बाबर आजम को गले लगाते हुए, और ये बहुत अच्छी बात है. ग्राउंड में हो तो बिल्कुल ऐसे लड़ना चाहिए एक एक बॉल के लिए, लेकिन जाहिर है उसके बाद जिस तरह मैंने कल भी कहा था, ये कोई इस्लाम और कुफर की जंग नहीं हो रही है, एक मुकाबला है जिसको बिल्कुल जम के लड़ना चाहिए, लेकिन उसको गेम की तरह ही लेना चाहिए. और बहुत अच्छे अंदाज से आज पाकिस्तान ने तारीख, आमिर क्या कहेंगे, ये मोमेंट हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे जो आज देख रहे हैं अभी. देखिए ये अब हिस्ट्री में ये चीज़ अब लिखी गई है. हाँ यस, पाकिस्तान ने जब आईसीसी टूर्नामेंट के मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया को मारा तो 10 विकेटों से मारा. यस यस, लेकिन बात ये आती है कि पाकिस्तान के जीतने की वजह क्या हुई. हाँ. वजह ये तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप बैट्समैन के साथ नहीं खेलते, आप विकेट के साथ खेलते हैं. ओके ठीक, जो हमारे बॉलर्स की क्वालिटी थी वो ये थी कि उन्होंने विकेट को देखा कि विकेट डिमांड क्या कर रहा है. अर्ली ऑन शहीन को स्विंग मिला. हाँ. उसने पूरा चांस लिया, राइट. फिर एंड के ओवर्स में अगर आपने देखा हो, हारिस ने 2-3 बॉल कोहली को तेज किया, उसने पीछे हटके उसको एक्स्ट्रा कवर 2 चौके मारे. अगले ओवर में आके उसने 3-4 लगातार स्लो बॉल की और उसको एक हिट नहीं लगी. इट मींस के स्मार्टनेस वॉज देयर, उनको पता था कि विकेट क्या डिमांड कर रही है, तो हमने बॉलिंग उस हिसाब से की. फिर जो हमारे ओपनर्स ने स्टार्ट लिया उनको भी यही पता था कि यहाँ पे बड़ी शॉट्स नहीं खेलनी, यहाँ पे आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलोगे तो आप कर लोगे, और उन्होंने वही किया. आज उन्होंने अपनी प्रॉपर एक क्रिकेटिंग जो शॉट्स के साथ इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, तो वो एक जो है रीजन था. वसीम भाई इससे पहले कि आप आगे जाए, मैं चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को करेक्ट करूँ. ये वक्त मौका कहने का नहीं है, ये वक्त कहने का है ठोका. तो ठोका के नारे लगाए ताकि उनको पता चले कि हम ऐसे ठोकते हैं जब आते हैं, कभी 180 तो कभी 10 विकेट. जब हम आते हैं तो फिर हम ही चाहते हैं. और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन से भी देख रहे हैं दूसरी साइड पे कि किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, हम बड़ा बोल नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी को ये याद जरूर कराते रहें कि कोई हमें मशवरा दे रहा था कि एक्स्ट्रा टीवी सेट ले लो, तोड़ना पड़ जाएगा. बेटा आपने अपने टीवी सेट बिल्कुल नहीं तोड़ने मेरे बच्चे, एलईडी बहुत महंगे हो गए, एलईडी महंगे हो गए, वैसे आपने बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल कोई बड़ा बोलने बोलेंगे, लेकिन आपने अपने टीवी सेट बिल्कुल नहीं तोड़ने. लेकिन बात ये है कि मुझे चैंपियन ट्रॉफी याद आ गई है, क्योंकि हम पहला मैच इंडिया से हारे थे और हम दोनों फाइनल खेल रहे थे. तो यू नेवर नो कि आप दोनों फाइनल भी खेल रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी. मैं बता रहा हूँ, ये दोनों टीमें, बाकी जितनी टीमें हैं आराम से मार सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इंडिया के पास प्रॉपर चांस है आगे आने का. आगे दोबारा मतलब पाकिस्तान का प्लस पॉइंट ये है कि इतना बड़ा मैच जीता है, अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक तो पहुंचने के लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद. लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है कि आईसीसी के इवेंट में जब जब हमने भारत को शुरू में हराया वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा, तो ये भी ये भी अच्छी बात है. अल्लाह का हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है पाकिस्तान जाए.
सही है। हाँ, बिल्कुल। तो जनाब मैं बस अपने ये सारे जो हमारे वहाँ के जो दोस्त हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको एक मैच की तरह ही लेना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं, तारीख रकम हुई भी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपने खिलाड़ियों को बकअप करेंगे और आपको ये मुफ्त मशवरा देंगे कि आपने टीवी बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहे हैं। आज के मैच से हमने क्या सबक सीखा कि T20 में ऑन पेपर कोई नहीं होता भाई, कोई तगड़ा नहीं होता। मोमेंटम की बात है, जो बॉल वन से मोमेंटम पकड़ता है वो मोस्टली मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं मैच जीतने के। बिल्कुल सही। और तो अब ये मासूमाना मशवरा है कि ये रिकॉर्ड से और स्टैटिस्टिक्स से निकल आया और ये पांच मैचों में यूं हुआ है और फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, इसे निकल आया। छोड़, तो पुरानी बात हो गई। अभी पत्थर भी नहीं मारने, बिल्कुल आने पत्थर नहीं मारने, बिल्कुल किसी के घर में बदलाव नहीं करना, बिल्कुल कुछ ऐसी कोई हरकत हो रही थी, कोई बात नहीं, मैच हो जाता है, कैंची भी ना बने। तो विराट कोहली क्या, हम सुने थे ना विराट कोहली क्या कह रहे हैं, भारतीय कप्तान with the ball started off brilliantly. When you get 3 wickets for 20 runs, it's very difficult to get back into the game, especially knowing that the conditions will be slightly different with Dew coming in the second half. We always knew that we need a total which is competitive, but even with the bat, they did not give us any chances and were very, very professional and effective out there in the middle. Hey, you talked about the Dew, but what about the pitch? What do you make of the pitch today? Well, it was okay. I mean, it played pretty slow in the first half. A little bit of Dew helps the ball come on a little better in the second half. We saw that. Hitting through the line was not as easy in the first half as it seemed like the second half of the Pakistan innings, 10 overs onwards. So, you know, when you know that the conditions might change in the second half, a little bit towards the batsman's favour, then you need those 15-20 extra runs, and for that you need to get off to a decent start. But as I said, some quality bowling from Pakistan up front did not let us get off the blocks quickly and to add those extra runs in the end. Will there be a discussion on the combination of the team, on what bowlers to play? Is there a discussion where you think that you need another slow bowler maybe? Well, you could make that argument, but then again, with the Dew coming in the second half, I mean, the slower bowlers were not effective either. So it really depends on what kind of combination you're comfortable with. We're certainly not a team that presses the panic button, and it's just the start of the tournament. It's not the end of the tournament. So it's very important to stay composed. And you know, just understand our strengths and how we want to execute those plans out there in the middle. There definitely will be a chat around what we want to do in the next game, but it's certainly not a stage that we think, oh, what are we going to do moving forward? This is the first game of the tournament, and every team knows that. Absolutely right. First game of the tournament, didn't go your way today, but better luck with the rest of the tournament. Thank you, Virat. Thank you very much. Thank you. Virat Kohli, Bharat ke kaptan, apni raay de rahe the. Intikha Alam sab kya aaj? विराट कोहली की कैप्टनसी में आपको कोई कमी नजर आई? चूंकि एज ए बैट्समैन तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया, 57 किया, लेकिन जैसा कि हमने बात की थी सुबह कि जो टॉस जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ओके, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अल्लाह ने मैच जितवाया और ये लड़कों की एफर्ट थी और जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किया था उस पर स्टिक किया और जिस तरह बॉलर्स ने अर्ली ऑन विकेट ली वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। He says that he executed their plans very well. Plans की आपने बात की, शाहिन शाह अफरीदी की बताएं, क्या उन्होंने बॉलिंग की आज? हाँ देखें, जिस तरह उसने स्टार्ट किया, अर्ली विकटें हमने लेके दी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस का काफ़ी आया उससे, और उससे उसके बाद फिर जो स्पिनर्स आए, स्पिनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया और उसके बाद एट डेथ में हमने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, जो हमने प्लान किया था उसको अप्लाई किया और उसके सामने रिजल्ट आए। सो ओवरऑल बॉलर्स बोल रियली वेल एंड यू गॉट एवरीथिंग टू प्लान एंड देन कम टू द बैटिंग। ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी और रिजवान की इस टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हो रही थी कि ओपनिंग ही पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज वो दिखी। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्लान होता है अपने आप को सिंपल रखते हैं और जो हमारी हमने प्लान किया होता है जिस तरीके से हमने फिर सिक्स ओवर यूटिलाइज़ किया उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमने ग्रो अप की और उसके साथ फिर हमने यही कहा था कि हमारा ओवर में 8 से 10 क्योंकि विकेट अच्छा होता जा रहा है ड्यू में और शाम में काफ़ी अच्छा आ रहा था बॉल, तो कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा और रिजल्ट हमारे हाथ में। सो यू बैटेड डीप एंड मेड श्योर दैट यू गेट अप विद द रन रेट एंड गेट दोस बाउंड्रीज अवे। सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, अब जो है ये टूर्नामेंट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा?
नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी शुरुआत है और पहला मैच हम जीते हैं उससे कॉन्फिडेंस आया और उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे जाएंगे क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है और आगे काफ़ी मैचेस है तो हम मैच बाय मैच चल रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जितना आज हमने 100% दिया सब ने अगले मैचों में भी 100% दिया। लेकिन कुफर तो टूट गया ये तो लगा कर या सो दे स्टिल बिलीव दैट देयर इज लॉन्ग वे टू गो इन द टूर्नामेंट। बाबर थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये बताते चलें कि आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऐसे नहीं हराया था, इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब इस मैच से पहले जो प्रेपरेशन थी इस मैच की उसमें क्या डिस्कस हुआ? प्रेपरेशन हमारी यही थी कि पास जो पीछे गुजर गया उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे और लड़कों में सिर्फ यही जो मेरी बात हो रही थी जो मैं एज अ कप्तान मैं कोशिश कर रहा था कि इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, इनको बैक किया जाए जो हमारी प्रैक्टिस है क्योंकि बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमने वार्म अप मैचेस खेले, उसके बाद उससे पहले हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ उसमें हमने पूरा 100% दिया, तो बड़े इवेंट से पहले जब अच्छे क्रिकेट खेलते हैं अच्छे मैचेस खेलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस होता है और बिल्कुल मैं एज अ कप्तान यही चाहता हूँ कि जिस तरह लड़कों ने 100% दिया फील्डिंग में बॉलिंग में और बैटिंग में तो ये मेरे के लिए काफ़ी उत्साहन बात। वेल क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस टू द साइड, वेरी वेल डन बाबर, थैंक यू वेरी मच एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्या बात है, बहुत सारी तालियां पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, क्या बात है। और सेलिब्रेट करने वालों में क्योंकि पूरी नेशन ही शामिल है तो वजीर आजम पाकिस्तान जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है उन्होंने भी इस ये ट्वीट किया है। ट्वीट में आप नीचे तस्वीर देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए सऊदी अरब के होटल में मैच देख रहे हैं आई एम अज्यूमिंग, और उन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम एंड स्पेशली टू बाबर आजम हु लेड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज टू द ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज ऑफ रिजवान एंड शाहीन आफरीदी, द नेशन इज प्राउड ऑफ यू ऑल। ये ट्वीट है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान साहब का, क्योंकि जाहिर है वो भी इन खुशियों में शामिल हैं। और इंतखाब भाई जिस तरह कहा बाजिद खान ने, कुफर तो टूट गया खुदा खुदा करके, बिल्कुल टूटा और आज हिस्ट्री कायम कर दी ना पाकिस्तान की टीम ने और आज इतनी खुशी हुई है मुझे देख। सर उन्होंने कहा कि इस तरह पाकिस्तान कभी हराया नहीं ना कभी तारीख में भारत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं पूरी नेशन को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आज जिस तरह ये लड़के खेले हैं। अब ये है कि ये मैच जीतने के बाद हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, है ना। अरे वैसे वी आर वेरी लकी कि जिस हिसाब में हम हैं वो इतना कोई तकड़ा है नहीं, उसमें नमीबिया भी आ गया है तो ये है कि हमने सिर्फ 3 मैच जीतने हैं, सही एक जीत गया, एक जीत का 2 और जीतते तो इंशाल्लाह वी विल बी देयर इन द सेमीफाइनल इंशाल्लाह। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि इंडिया हारने के बाद वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा पूरा, हाँ। और हो सकता है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया हम फिर मिलें फाइनल में, आपने भी कहा हाँ। ये भी हो सकता है फिर मिलेंगे, लेकिन मुझे खुशी ये हुई है कि इंडिया एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, जिस तरह धोनी ने अच्छे अंदाज से मुबारकबाद दी, मिले सबने कप्तान ने जिस तरह के मुबारकबाद दी तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिट होनी चाहिए। और ये भी आपको अच्छा लगा कि बाबर ने भी जब बात की तो ही वाज वेरी मॉडेस्ट हम्बल, ये नहीं कि जनाब अब तो बस हो गया है टूर्नामेंट निकल गया, उन्होंने कहा नहीं हम एक मैच जीते, दोनों कप्तानों ने सेम बात की है, दोनों तरफ से बहुत ग्रेसफुल काम हुआ आज और एंड दिस इज हाउ क्रिकेट शुड बी, दोनों ने सेम बात किया है कि दे नो कि अभी पहला मैच है टूर्नामेंट का, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि जो पाकिस्तान ने इम्पैक्ट डाल दिया है स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट गई है कि अब जो दूसरी टीमें भी हैं वो जब पाकिस्तान के साथ खेलेंगी वो अंडर प्रेशर खेलेंगी, जिसका प्लस पॉइंट पाकिस्तान को रहेगा। सही बिल्कुल, ये एक नफ्सियाती एक बढ़तरी तो हासिल हो गई आज, मैंने तो इतना एंजॉय किया ये मेरे हाथ में आ गया ये देखे भाई तनवीर भाई की अलग ही एक दुनिया चल रही है उसमें ये है माइक है बैटरी है कैंची है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, मुझे पता है इतनी देर से चुप हुए माइक डिस्कनेक्ट, नहीं 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 भाई आवाज जा रही है मेरी, जिस तरह पाकिस्तान तनवीर भाई ने भी तारीख रकम की पूरे 4.5 मिनट खामोश रहे, माइक बंद माइक ऑन है माइक ऑन है मेरी आवाज जा रही है, मैं खामोश जैसे था कि उधर भी चले जाओ थोड़ी देर हम भी बोलते रहेंगे कि उधर भी चले जाएं, आपके हक में आवाज उठाइए भाई, नजीब खामोश बैठा काफी देर से, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड से, वो हमको हर हालत में जीतना है क्योंकि वापस क्यों गए तो हमारी तो अलग ही मिशन चल रहा है, हमारी तो आज के मैच की परफॉर्मेंस हो गई है ना इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा सारी टीमें वैसी बैकफुट पे चली गई हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है
जो जो जिस तरह बैटिंग कर दी है हमारे बैट्समैनों ने, ये बॉलिंग जिस तरीके से कर दी है, कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। और ये जो हम खुश हो रहे हैं, ये इस वजह से हम खुश नहीं हो रहे कि जी हम तो फाइनल जीते जीते, ठीक है, exactly, हम खुश इस वजह से हो रहे हैं कि बहुत टाइम बाद हमें वर्ल्ड कप के मैच में जीतने का मौका मिला और 10 विकेटों से मारा। हमें हम सबको कहीं ना कहीं दिमाग में है कि यही दो टीमें फाइनल में ना पहुंचे, और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, दो टीमें पहुंचे फाइनल में। और आपने विराट कोहली की जो बात कर रहा था उसमें एक चीज अगर आप उसको नोट करें, उसने जो बात की ना कि ये टूर्नामेंट अभी स्टार्ट, अभी आगाज है, सबको याद रहे, ये सबको याद रखना है, तो इसका मतलब ये है, उसने आराम आराम से लफ्जों में उसने बहुत कुछ कह दिया है कि अभी स्टार्ट, अभी रुक जाओ, हम आएंगे आगे, ठीक है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल पाकिस्तान के जीतने की खुशी तो है, साथ साथ ये कि अगली बार जब किसी इंडियन चैनल के साथ बैठेंगे तो मजा आएगा, फुटेजेस होंगी एक चैंपियंस ट्रॉफी और 2009 के वर्ल्ड कप के अलावा, एक ताजा तरीन हवाला आ गया। अच्छा, अगली दफा हम कुछ तो बोल सकते हैं। दूसरी बात ये कि पहली दफा हुआ है कि फलां हारे वो जीते, उसका रन रेट तो हम आगे जाएंगे, स्टार्ट ही अच्छा हुआ है वैसे ही इंशाल्लाह, और यही हमारा फाइनल था और हम जीत गए आगे, हमें कुछ नहीं, इंडिया बाकी है, पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल, उसमें जिस तरीके से वहां पे भी सेलिब्रेशन जारी है, क्योंकि जाहिर है सर पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, वजीर आजम से लेके जो है वो एक आम आदमी, हर गली हर कूचे में सेलिब्रेशन है। अभी मेरी रियलिस्टिक सर 3 महीने का, हम हो सकता है कि अगर ये माहौल पड़ोस में होता तो वहाँ ये आवाज़ें आ रही होती कि अब कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और नहीं, हम ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहे बेटा, आपको मशवरा है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। और वो तो आपको याद है, टीवी बिल्कुल नहीं तोड़ना है, पत्थर नहीं मारना, पत्थर बिल्कुल नहीं मारना है आपने, पथराव बिल्कुल नहीं करना, हो जाता है गेम है। लेकिन हम बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, एक तारीख रकम हुई है, उसकी सेलिब्रेशन है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है जनाब। परसों है मैच न्यूजीलैंड से हमारा, लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि भाईजान, हम पाकिस्तानी कौम है, हम बड़े अरसे थे प्यासे थे, हमें इस पता का जश्न मनाने थे, ये थोड़े अगला मैच कब होगा, फाइनल होगा नहीं होगा, अबे भाई हमें आज का मैच जो है ना जीत रहे ना, उसमें किसने मना किया जश्न मनाने, हमें जो हमारे स्टार है उनसे करें, न्यूजीलैंड को भी डिस्कस ना करें, वर्ल्ड कप फाइनल को डिस्कस ना करें, अभी आ जाए इस मैच पे, आ जाए कंटेंट डायरेक्टर एआरवाई न्यूज़ के एहतमाद आ गए यार, हमने क्या करूं अगला साल, शोएब भाई ने मना कर दिया, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहे, क्या करूं, तन्वी भाई बिल्कुल सही कहा है, हौसला रखते हैं भाई, टाकरे को अरेंज करें, हौसला वो दिया, हम सब करेंगे मामला। अभी इतना ही है कि कोहली के घर के दो कमरे जला दिए इन्होंने, क्या कोहली के घर के दो कमरे जला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इंडियन है, वो कहते हैं जला दिया तो नॉर्मल, शोएब को ये बताया अभी एक घंटा बाकी है, वो ना करे तो क्या करे, आसिम भाई हाँ जी, आदि खामोश है, क्या हो गया, मैं बैठ के यही सोच रहा था, पाकिस्तान तो मैच जीत गया, मेरे भाई गया, मैं बैठ के पहली बात तो ये सुन रहा था कि आज पहली बार आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मौका ऐसा है, वजह यार, मैं वैसे ही बैठ के सोच रहा था कि अभी इंडिया में जब ठाकुर पूछेगा कि कितने आदमी थे, तो इंडियन टीम बोलेगी दो बाबर और तीन के बारे में तो बात करते रहेंगे थ्रू आउट रात 12 बजे तक, लेकिन अब जाहिर है यहाँ से चुके अभी हम ये एक बायलैटरल सीरीज में नहीं है बल्कि वर्ल्ड कप में है, जिसमें भी आगे न्यूजीलैंड है, फिर आगे और, तो यहाँ से अब आगे हमें इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन आगाज हुआ है। देखिए सबसे पहले तो वेल सेट फ्रॉम बोथ ऑफ द कैप्टन, बहुत अच्छा बोले, वेरी ग्रेस, विराट कोहली ने आके कहा कि जी हमें बिल्कुल आउट क्लास किया बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, ये बड़ी अच्छी बात है। बाबर ने भी बहुत अच्छी, बाबर मॉडेस्ट हम्बल, बहुत अच्छी बात की कि हम हमारे प्लान्स थे, एग्जीक्यूशन हो गई और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह खेलें, लेकिन ये कि ये पहला गेम है तो ये एक अच्छी बात थी। और फिर जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने भी आके बात की, बहुत मैच्योर लग रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी दिनों से बात करें कि अब काफ़ी मैच्योरनेस आ गई है इस टीम में, और जहाँ तक बात इस कम्बिनेशन अप एंड डाउन होती रहेगी, सही अभी बहुत सी, अगर हम मैच की बात करें तो जिस वक्त आउट हो रहे थे तो उस वक्त दबाव बनाए रखें, दबाव बनाए रखें, अगर वहां पे फास्ट बॉलर होते तो शायद हम 120 रन चेस कर रहे होते, 130 रन चेस कर रहे होते। अच्छी बात ये थी कि हमने ठीक है थोड़ा सा 15 से 20 रन ज्यादा करवाए, आपने कहा भी तो, लेकिन उसके बाद जब पार्टनरशिप हुई तो पास में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम जी 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 पिछले मैचेस की बात करें, बेंगलोर की मैच की बात करें, 15 और 100 रन हो चुके थे, सडनली वो थोड़ा सा आपस में तू मैं हुई, एक आउट हुआ और फिर टीम कोलैप्स हो गई। इसी तरह 2011 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बैंगलोर वाला, वो आमिर सोहेल वाला जी, उसके बाद 50 ओवर के मैच में बड़े अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, 100 रन हुए थे और 240 कुछ रन सडनली वो एक आधा स्वीप शॉट खेलना और वहां से
तो इस दफा ऐसा कुछ नहीं था, हमने लर्न किया अपने पास से, सही है, जो जो कि अच्छी बात है। और अभी गेम बहुत खुला है, ओके, रिलैक्स नहीं होना, आप एक एक गेम लेके चले, एक एक गेम लेके चले और कोशिश करें। अभी जब मोमेंटम आपके पास आ गया, हाँ, अच्छी टीम क्या करती है, अच्छे प्लेयर क्या करते हैं, मोमेंटम अपनी तरफ रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जनाब हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, रात 12 बजे तक यूनुस भाई, आमिर भाई, इंतखाब साहब और सब हमारे साथ मौजूद हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं 11 बजे की, आप हेडलाइंस देखें और हेडलाइंस के फौरन बाद वापस आते हैं। तारीख रकम हो नहीं रही, तारीख रकम हो रही है, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।